वेलकम टू माई चैनल धनराज पिजन प्लैनेट। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। सभी दोस्तों को सब्सक्राइब को बड़े दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जो मुझे मेरे चैनल को इतना लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सब्सक्राइब करते समय बाजू वाली बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलिए, यानी कि मेरी आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको तुरंत पता चल जाए। और चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ऐसे बने रहिए। चलो तो हम आज देखते हैं कि कबूतर की गर्दन कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं कबूतर दिखा देता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उड़ान में गर्दन का क्या सीन है। एक बेहतरीन उड़ने वाला कबूतर गर्दन के सहाय से क्या करता है और उसके गर्दन के क्या बेनिफिट है, ये सबसे पहले हम देखना चाहते हैं और देखते हैं। तो गर्दन का सबसे मेन किरदार जो है वो है कि जब कबूतर उड़ता है सीधा तो उसके गर्दन से उसको आजू बाजू ऊपर नीचे सब दिखता है, यानी कि 360 के एंगल में वो देखता है। और अगर सामने उड़ता है तो 90 के डिग्री में, ऐसे 45-90 के डिग्री में वो देख लेता है। तो गर्दन जितनी लंबी होगी तो उसको आजू बाजू इधर ऊपर नीचे सब उसके जो दुश्मन है, शत्रु है, बाज बेरी, ये इससे वो बच सकता है, यानी कि उसको ये आने वाले सभी बाज बेरी वो दिख जाते हैं। तो इसलिए वो जितनी गर्दन लंबी हो उतना कबूतर बेहतर माना जाता है। और ज़्यादातर उड़ने वाले या उड़ान देने वाले कबूतर में सभी कबूतरों की गर्दन बहुत लंबी रही थी। ये सबने देखा होगा कि जो कबूतर 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे उड़ता है, उस जैसे जैसे कबूतर की उड़ान बढ़ती जाएगी वैसी गर्दन भी बढ़ती जाती है। आप अगर देखो टेप लगा के या फिर स्केल लगा के गिन के देखोगे तो जितना घंटे कबूतर उड़ता है, अगर समझो एक कबूतर 2 घंटे उड़ता है और उसकी गर्दन अब अगर उसके कोने से यानी कि नौकुन से यहाँ से कंधे से देखेंगे तो आगे अगर वो 3 इंच 4 इंच होगी तो उससे बड़े वाला कबूतर 5 इंच का रहेगा, 5.5 का रहेगा, 4.5 का रहेगा, ये ऐसे रहते हैं। ये आप चाहे तो गिन के देख लो, ये आपको भी तजुर्बा आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा नॉलेज तजुर्बे से आती है, ये हर एक का कहना है, यानी कि नॉलेज किताबों से ज़्यादा प्रैक्टिकल आ जाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, फिर उसका गर्दन का और एक सीन है कि गर्दन जितनी लंबी है तो क्या होता है, अगर गर्दन लंबी होगी, और गर्दन कब लंबी होती है, जब कबूतर का सीना चौड़ा होता है तब कबूतर की गर्दन लंबी हो जाती है। क्योंकि क्या, और सीना चौड़ा है तो कबूतर के ऊपर जो सामने वाली हवा आती है उसका आके यहाँ पे दब जाती है, तो कबूतर वाइब्रेट या फिर लड़खड़ाना नहीं होता क्योंकि उसकी गर्दन लंबी है, तो उसको ऑलरेडी वो हवा को कट करके सामने चलने का उसका ये रहता है। तो इसलिए गर्दन लंबी होनी बहुत फ़ायदेमंद है। ऊपर से कबूतर की गर्दन लंबी होगी तो सबसे अहम काम होता है कि वो अपने छोरों को कुकड़ू कुकड़ू करता है। कई बार उड़ान देने के बाद कबूतर फिर बाद में अपने पर संवारने में लग जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, वो अपने मुंह में जो केमिकल रहता है या मुंह में जो लाल रहती है उससे वो अपने पर साफ कर लेते हैं। कबूतर या प्राणी के मुंह में जो लाल रहती है उसमें एक अलग टाइप का केमिकल रहता है, उससे वो खुद की बीमारी और खुद का संगोपन वो कर सकते हैं, ये सभी को पता है। फिर भी मैं एक बार ऐसे आया मुंह में तो बोल दिया। तो चलो हम देखते हैं कि कबूतर की मुंडी कैसे होनी चाहिए और उसके क्या है। तो सबसे मेन बात मैं आपको दिखाता हूँ, एक कबूतर की गर्दन, एक एक्चुअल कबूतर बहुत ये करते हड़पड़ रहे क्योंकि अभी उसको पकड़ने का, हाँ
तो सबसे पहले ये कबूतर की आँख देख लो, अगर दिख रही तो आपको एकदम इसकी आँखों में बहुत जर्रत है और सभी रिंग है, और वापसी का रिंग भी है जो कहा जाता है वो इसे। एक्चुअली आँख का और वापसी का कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी जो लोग कहते हैं वो समझने के लिए वो कहना पड़ता है। एक्चुअली वापसी तो उसके माइंड में होती है और वो कंपन की वजह से आ जाते हैं कबूतर जो वापस आते हैं। तो चलो, यानी कि उन कबूतर का अगर माइंड बहुत शार्प रहेगा तो कबूतर वो खुद की शान जो है वो दिखा देता है। तो और ये इसके आँख का एंगल देख लो, दोनों तरफ से बाहर आई हुई आँख है, यानी कि ये। और सबसे मेन बात बोल रहा हूँ कि कबूतर की ये गर्दन, ये सब पर ही है जो कबूतर के दिख रहे हैं, एकदम पतली, जो पतली है तो ये पतली होनी चाहिए, गर्दन जितनी भी हो ये पतली होनी चाहिए और ये लंबी होनी चाहिए। ये देख लो, ये कितना लंबा उसका मुंह है। जब कबूतर ऊपर हवा में उड़ता है तो कबूतर ऐसे मुंह करके उड़ता है, इनको उसका ध्यान इधर उधर इधर उधर ये रहता है। ये कबूतर का उड़ना जो रहता है ये ऐसे रहता है, ये ऐसा करके उड़ता है कबूतर हवा में, कभी भी ध्यान रखो। तो इसलिए उसकी गर्दन बहुत लंबी होनी चाहिए। और यहाँ जो जॉइंट रहते हैं विंग्स के, यानी कि जो यहाँ खड्डा रहता है वहाँ, ये बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि उधर ज़्यादा घोषणा हो, यानी कि जो ऊपर की ये जो ऊपर नीचे करता है वो ये ज़्यादा स्पीड से हो। ऊपर से एक कबूतर की गर्दन यहाँ जो आती है मुंडी के नीचे एकदम लास्ट वाला जॉइंट देखो, एकदम पतला होना चाहिए। ये सबसे मेन बात आज तक किसी ने बताया नहीं या कुछ नहीं, जो हड्डी के नीचे जो आती है बैक साइड पे जो रहता है यहाँ पे, वो अगर पतला रहेगा तो कबूतर को समझ लो कि ये उड़ने वाला कबूतर है। कभी भी ध्यान लो को नीचे कबूतर लोग कहीं ना मुंडी के इधर दबा के देखते हैं लेकिन ऊपर नहीं देखते, ऊपर थोड़ा सा दबा के देखा या हाथ लगाया तो भी पता चलता है कि कितना पतला है, और ज़्यादा दबाने का नहीं कभी भी ध्यान में। अगर वो नस दब गई तो कबूतर को लकवा भी हो सकता है, और लकवा होने के ज़्यादा तो रीज़न यही रहता है कि कबूतर की नस दब जाती है, उसके बहुत एकदम माइक्रो में जो कहा जाता है उतना ही उसकी नस रहती है, अगर वो भी एक भी दब गई तो उसको लकवा आ जाता है। तो ये गर्दन का सीन है, और ये देख लो उसके ऊपर अगर यहाँ पे छोटी हड्डी होगी तो कबूतर का ऊपर यह सर चपटा ही होगा, और ये चपटा सर उड़ान के लिए बहुत ये रहता है, यानी कि उसका माइंड का जो मैग्नेटिक पावर रहता है या लॉक में जो तरंगे छोड़ता है, ये तरंगे उसको तुरंत से पता चल जाती है, यानी कि वापस वो जो रिटर्न आती है वो जल्दी से आ जाती है। और क्या होता है अगर कबूतर जो तरंगे छोड़ता है और वही वापस जल्दी आ गई तो ये कबूतर के लिए बेहतर होता है वापसी के लिए और ये सब चीज़ों के लिए। ऊपर से जो बड़े दिमाग वाले मगज़ वाले या भैंस जैसा दिमाग रहेगा तो ये कबूतर वापस आने में बहुत दिक्कत करते हैं, यानी कि उनकी वापसी बहुत कम रहती है। तो ये सब सीन है वो। तो चलो, और ये देख लो कबूतर, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पर भी बहुत लाजवाब है, और ये उड़ान कर रही है। ये अभी मेरे ख्याल से 3-5 ये छठी कली पे है, ये 5वीं कली उसने लाया है, अभी छठी गिराएगा। और इसके ये पर, ये जो पर है ये एक टॉपिक बचा था नोक वाले पर और राउंड वाले पर, तो ये वाले अपने लास्ट वीडियो में ये बताना भूल गया था जल्दबाजी में, यानी कि क्या होता है बहुत टाइम की वीडियो बन गई तो क्या बताओ और क्या नहीं ये हो जाता है, और सबको पता है कि मैं फ़िलहाल कौन से परेशानी में हूँ, इसकी वजह से क्या बात करने का और क्या नहीं, वो कौन सा टॉपिक कवर करने का इसमें भी थोड़ा हड़बड़ी हो जाती है। तो अगर ऐसी कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये देख लो, ये है टोक वाले पर, और अगर यही पर ऐसे राउंड में आते हैं तो ये गोलाकार पर हो जाते हैं, और ये अपना कबूतर सिंगल दोम का कबूतर है, और छोटा कबूतर है, इसकी हड्डी भी कश्ती नुमा है, और हड्डी मेरे ख्याल से 3 ही उंगली की, और जोड़ और हड्डी में यानी कि
आधा आधा उंगली से भी कम गैप है और हड्डी बिल्कुल भी बंद है। और ये कबूतर अभी भी उड़ रहा है अपने पास, यानी कि उड़ान में बहुत बेहतर है। सामने से देख लो, ये बहुत बेहतर है। और उसके बाद आती है, अब ये चोच का मैं अलग से टॉपिक नहीं लूँगा, इसमें ही डाल देता हूँ। ये चोच ये देख लो, ऐसी पकी हुई चोच चाहिए, यानी कि एकदम मजबूत चोच का कबूतर होना चाहिए। और उसके बाद वो नथुने, तो नथुने भी कबूतर के बहुत मेन रहते हैं। नथुने भी एकदम इसके अगर दिख रहे हैं आपको, तो देखने में ये नथुने का टॉपिक अलग लेने वाला था, लेकिन ज़्यादा कुछ बताता नहीं। नथुने ऐसे बारीक और खींचे हुए पीछे की तरफ रहने चाहिए और सामने से थोड़ा ही ओपन होना चाहिए। ये नथुने देख लो, ये बहुत ये पहचान की निशानी है कह सकते। ये नथुने एकदम बारीक और खींचे होने चाहिए। तो ये सब है। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और सबसे मेन बात, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियो आने वाली है, तो सब आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर मेरे से बात करते समय कुछ गलती हो गई या कुछ टॉपिक छूट गया हो, तो मुझे कमेंट्स में बोल दो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। और हर एक सब्सक्राइब का बहुत मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।